हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल पोर्शन रिलेटेड टू कंसंट्रेशन। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर बेटा? आज की क्लास में अपन कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका डिटरमाइन मोलिलिटी ऑफ 10% W/W H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। आपको इसमें मोलिलिटी फाइंड आउट करवा रहा है, जिसमें आपको कंसंट्रेशन किसमें दी हुई है, वेट अपॉन वेट। जब भी आपको परसेंट गिवन हो, साथ में आपको इंडिकेट किया हुआ है W/W, दैट मीन्स कंसंट्रेशन इन विच सोल्यूट आल्सो प्रेजेंट ग्राम क्वांटिटी एंड सोलवेंट आल्सो प्रेजेंट इन ग्राम क्वांटिटी। परसेंट क्वांटिटी का मीन्स होता है यहाँ पर, सपोज टोटल सोल्यूशन इज 100 ग्राम, देन सोल्यूट इज 10 ग्राम, देन रिमेनिंग पार्ट इज 90 ग्राम इज वेट ऑफ सोलवेंट। क्लियर बेटा? देन वी कैलकुलेट द molality of H2SO4 solution। क्लियर? सोल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वही गिवन डाटा क्या है अपने पास में, सपोज ग्राम वेट ऑफ सोल्यूट, राइट? कौन है सॉल्यूट आपका? H2SO4। क्लियर? कितना होगा? 10 ग्राम, जिसको आप किससे लिखते हो? WB से। इट इज क्लियर? सेकेंड है ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां पर एक्वस सॉल्यूशन है, तो आपको बिल्कुल क्लियर है That means solvent is water, H2O, right? That is 90 gram, जो होगा आपका WA, that is clear? And molar mass of solute, clear? वो होता है आपका 98 ग्राम पर मोल, जिसको आप लिखोगे किससे? MB। वी नो डेट, वी नो दैट मोलिलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। क्लियर? 1000 कब यूज करते हैं? व्हेन वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन इन ग्राम, देन कन्वर्ट इंटू kg। तो देखिए ये 90 ग्राम दे रखा है, तो इसको अपन kg में कन्वर्ट करेंगे। Then put up the value in this formula, WB is 10 gram upon MB is 98 gram, right, into 1000 upon 90 gram, that is clear, 0 to 0 cancel, then 1000 upon 2 88, right? Then answer is 1.13 mole per kg, right? Mole per kg, that is clear? कोई डाउट है? ये आपका इसका क्लियरली सॉल्यूशन हो गया, राइट?
स्टेप 7 वी फाइंड आउट द मोलेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो ध्यान रखिए बेटा, जब भी परसेंटेज में गिवन हो तो आपको सपोज टोटल सॉल्यूशन इज 100 ग्राम इन विच सॉल्यूट इज गिवन क्वांटिटी एंड रिमेनिंग पार्ट इज सॉल्वेंट। क्लियर। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13 ग्राम ऑफ AlOH का होल थ्राइस डिजॉल्व्ड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। राइट। अब देखिए इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा, नॉर्मेलिटी। सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, गिवन क्वांटिटी क्या है अपने पास में वो देखिए, कंटेनिंग 13 ग्राम ऑफ AlOH का होल थ्राइस, दिस इज द सॉल्यूट और नॉट, सॉल्यूट होगा, डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। राइट। देन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट, कौन है सॉल्यूट, AlOH होल थ्राइस। क्लियर। कितना है अपने पास में, 13 ग्राम। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 250 ml। अपन को रिक्वायर्ड किसमें चाहिए, लीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लो यहीं पर, 250 अपॉन 1000, तो क्या हो जाएगा ये लीटर। दैट इज क्लियर। नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना होगा, देख लीजिए बेटा अपने पास सॉल्यूट क्या है, AlOH का होल थ्राइस। क्लियर। एल्यूमिनियम का वेट होता है 27, ऑक्सीजन कितनी अपने पास में, 3, वन ऑक्सीजन का होता है 16, कितना हो गया आपका 48, हाइड्रोजन कितनी है आपकी 3, कितना हो गया आपका 78। राइट। यह हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। राइट। वी नो दैट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी, देखिए बेटा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऊपर आ जाएगा एक्स फैक्टर, क्या आएगा बेटा एक्स फैक्टर। अब यहां पर नॉर्मेलिटी के सेंस में अपने पास नई चीज आई है एक्स फैक्टर। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए आपका, ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू एक्स फैक्टर। राइट। डेफिनेशन क्या होती है, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसका फाइनल आपका फॉर्मूला गिवन है आपके पास में। अब यहां पर आपको पहले एक्स फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्लियर। एक्स फैक्टर कैसे करेंगे, सॉल्यूट के रेफरेंस में करेंगे, तो यहां पर अपन लिख लेंगे एक्स फैक्टर फॉर AlOH का होल थ्राइस। क्लियर। ये क्या है बेटा, एसिड या बेस है,
बेस। तो बेस है तो ये कितने है? इसमें एच ओ एच प्रेजेंट है, थ्री ओ एच माइनस प्रेजेंट। सो एक्स फैक्टर इज इक्वल टू थ्री। क्लियर? एसिड होता तो नंबर ऑफ एच प्लस, बेस है नंबर ऑफ ओ एच माइनस, सोल्ट है तो वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे अपन गिवन सॉल्यूट का क्या फाइंड आउट करते हैं? एक्स फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब अपन वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए बेटा, नॉर्मेलिटी एन इज इक्वल टू ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? 13 ग्राम। एक्स फैक्टर कितना हो गया अपने पास में? 3। क्लियर? मोलर मास कितना हो गया आपका? 78, राइट? इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 अपॉन 1000, तो 1000 ये 1000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये 1000 आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये हो गया आपका 1000। एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपन। देखिए AlOH का ऑल्थ्राइस एल्यूमिनियम का होता है 27, ऑक्सीजन हो गया 16 × 16 × 16 = 48, और हाइड्रोजन हो गया आपका 3, 7 × 3 = 10 = 18, 4 × 2 = 6 = 7। क्लियर है, राइट? तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये देखिए, अब यहाँ पे 13 से 78 क्रॉस हो रहा है क्या? 6 times, क्लियर? और ये 2 times, और ये 4 times, और ये आपका 2 times, क्लियर? तो n इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास में? 2.00 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। दैट इज क्लियर? दिस इज द नॉर्मलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्लियर? आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल क्लियरली समझ में आया होगा। ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया है। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।